अस्सलाम वालेकुम जी, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ केसेस। और हमारा जो सबसे पहला केस है उसका जो टाइटल है दैट इज मौलवी तमीज़ुद्दीन खान वर्सेस गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। और इसकी जो साइटेशन है वो है PAT 1955 FC 240। इसके अंदर जो चीफ जस्टिस थे वो थे चीफ जस्टिस मुनीर, और उनके अलावा चार और जजेस थे, और इस बेंच का जो टोटल स्ट्रेंथ थी वो 5 है। इसकी आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड बताता चलूं और थोड़ी सी हिस्ट्री बताता चलूं तो वो कुछ यूं है कि मौलवी तमीज़ुद्दीन खान वाज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन द 14th of December 1948। पहले स्पीकर को प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा जाता था, अब स्पीकर कहा जाता है। और उस वक्त जो गवर्नर जनरल थे वो थे गुलाम मोहम्मद, और इन्होंने मौलवी तमीज़ुद्दीन खान साहब की असेंबली को डिसॉल्व किया था। थोड़ी सी बैकग्राउंड और देखें तो ये है कि जो हमारे सेकेंड प्राइम मिनिस्टर थे ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, उनकी गवर्नमेंट को डिसमिस किया गया था अप्रैल 1953 में, और गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने मोहम्मद अली बोगरा साहब को अपॉइंट किया था एज द प्राइम मिनिस्टर। और मोहम्मद अली बोगरा साहब जो थे उन्होंने जो गवर्नर जनरल की पावर्स हैं उसको थोड़ा कम करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक पास करवाई ऑन 21st of September 1954। और उस अमेंडमेंट से ये होना था कि गवर्नर जनरल की जो पावर्स हैं वो कम हो जाए। तो इसके बायस गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को 24th of October 1954 को उन्होंने डिसॉल्व कर दिया। इसके ऊपर क्योंकि मौलवी तमीज़ुद्दीन खान से केस किया चीफ कोर्ट ऑफ सिंध में, और उन्होंने दो पिटीशंस जो थी वो फाइल की, और जो दो पिटीशंस फाइल की गई वो अंडर सेक्शन 223A 223A ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत की। वो दो रिट्स जो थी, एक तो है रेट ऑफ मेंटेनेंस और दूसरी है रेट ऑफ पावरंटो, ये दो रिट्स जो है अंडर सेक्शन 223A ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 मौलवी तमीज़ुद्दीन खान साहब ने की, और चीफ कोर्ट ऑफ सिंध ने मौलवी तमीज़ुद्दीन खान साहब के फेवर में डिसीजन दिया और कहा कि द रेजोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज नलिटी इन लॉ। और उन्होंने मौलवी साहब के हक में केस सुना था। लेटर ऑन जब केस को एक फेडरल कोर्ट में लेके गया गया, यानी कि जब सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे लेकर किया गया, तो उधर जो आर्ग्यूमेंट्स स्टेट के तरफ से दिए गए वो कुछ यूं थे कि जो रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो सही है, क्योंकि जो चीफ कोर्ट ऑफ सिंध है इट हैज नो ज्यूरिसडिक्शन टू एंटरटेन सच रिट्स, यानी कि ये जो रिट्स की गई है चीफ कोर्ट ऑफ सिंध के पास इसकी पावर नहीं है टू एंटरटेन दीज रिट्स, उनकी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, क्योंकि गवर्नर जनरल ने इस एक्ट को सेक्शन को असेंट नहीं दिया। उस टाइम पे गवर्नर जनरल का असेंट होना बहुत जरूरी था, और सेक्शन 223A ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज इनवैलिड ड्यू टू नॉन असेंट ऑफ द गवर्नर जनरल व्हिच वाज नेसेसरी फॉर ऑल लॉज।
ये बात जो थी ये स्टेट की तरफ से पेश की गई है फेडरल कोर्ट में। तो इस अपील के तहत फेडरल कोर्ट ने फिर एक डिसीजन सुनाया और उन्होंने गवर्नर जनरल यानी कि स्टेट के हक में डिसीजन दिया और उसने कहा कि द गवर्नर जनरल सेंट इज नेसेसरी और कि गवर्नर जनरल की अगर असेंट नहीं है तो सेक्शन 223A ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज नॉट अ लॉ, जिसके तहत चीफ कोर्ट ऑफ सिंध हैड नो ज्यूरिसडिक्शन टू अप्लाई दिस सेक्शन। और एक और बड़ी अहम बात जो थी कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज नॉट द सॉवरेन अथॉरिटी बट द गवर्नर जनरल इज superior to it and has authority। तो इसका decision भी हुआ कि federal court का decision जो था वो prevail हुआ और chief court of Sindh का जो decision था उसको suspend कर दिया गया। ये एक case हुआ जो कि constitutional case है मौलवी तमीज़ुद्दीन खान versus Governor General of Pakistan और इसकी साइटेशन जो है वो है PND 1955 FC 240। इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स जो है वो ये है कि मौलवी तमीज़ुद्दीन खान साहब वाज मेड द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन द 14th ऑफ दिसंबर 1948। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज डिसॉल्वड ऑन द 24th ऑफ अक्टूबर 1954। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन वाज डिसमिस्ड बाय द गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद on April 1953 and Muhammad Ali Bogra was appointed as the Prime Minister. On 21st of September 1954, the constitutional amendment was passed via Muhammad Ali Bogra Sahab to reduce the powers of the Governor General. So these are important facts in this case ke, aur iski citation yaad rakhiyega, zaruri hoti hai. Maulvi Tamizuddin Khan was the Governor General of Pakistan, PND 1955, FC 241.